बेटी पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे और उनसे बेटियां बचाओ। तो इन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि जो एससी एसटी की जो महिलाएं हैं, तो आप ये देखिए कि बलात्कार की घटनाओं में इतना उछाल आ चुका है और आएगा भी क्योंकि सरकार उन्हें प्रायोजित कर रही है। आप ये देखिए, फूलन देवी की हत्या करने वाले को महामंडित किया जाता है, उसके ऊपर फिल्म बनती है, बहुत से लोग खुल के समर्थन में आते हैं। तो क्या आप ये मानते हो कि सरकार द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सर नहीं है? बिल्कुल है। जब ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो अपनी तो बेटी पढ़ाएंगे और हमें बेटी बचानी पड़ेगी, तो इनका नारा स्पष्ट है। और दूसरी बात, डूब मरना चाहिए इन सरकारों को जो भारत की बेटियों की अगर रक्षा नहीं कर सकते। डूब मरना चाहिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कि अगर वो यहां पर जो ये रेप बलात्कार हत्या हो रही है और निरंतर हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती ने चैलेंज किया था कि आप जो ये अत्याचार शेड्यूल कास्ट के ऊपर कर रहे हो, इन चीजों का बदला लिया जाएगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये सोचते हो कि सत्ता का संरक्षण आपको है और आप जो ये बलात्कार करके सुरक्षित घूमोगे, तो नहीं होगा। हम जो है कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीकों से अपना बदला जरूर लेंगे। दलित बच्चे आसान टारगेट है क्या? आसान बिल्कुल नहीं, उन्हें दलित बच्चे आसान टारगेट नहीं है। उनके ऊपर अत्याचार करने वालों को जो सरकार जो सुरक्षा प्रदान करती है, मैंने बताया ना कि फूलन देवी के हत्यारों को महामंडित किया जाता है, तो उन्हें तो पता है कि इन बच्चियों का अगर हम बलात्कार करेंगे तो हमारे समर्थन में कई लोग खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंदर मेघवाल की हत्या हुई, तो हत्यारे पक्ष की जो भी जातियां थी वो हत्यारों के साथ मजबूती से खड़ी हुई, पैसा इकट्ठा करके दिया गया, उसके जो एक्ट है उसको सही ठहराया गया। अब जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो कंटिन्यूसली जो रेप हो रहे हैं, शेड्यूल कास्ट पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो अत्याचारों को कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और अब ये कहते हैं कि ये मुस्लिम ने किया या हिंदुओं ने किया, हमारे लिए अत्याचार करने वाले सारे बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। लेकिन जब से मुस्लिम आरोपियों का पता चला है, आप लोगों ने आवाज नहीं देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैंने क्या कहा है कि अगर आप ये सोचते हैं कि समाज ने चूड़ियां पहनी हुई है, चाहे कोई गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, तो ऐसा नहीं है। हम अपने समाज के साथ, अपने पक्ष के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने इस अत्याचार के खिलाफ जितनी मजबूती से हिंदुओं के खिलाफ खड़े हैं, उतनी मजबूती से मुस्लिमों के खिलाफ भी खड़े हैं। जैसे आप लोग हाथरस जा रहे हैं, यहाँ लखीमपुर खीरी नहीं जा रहे? बिल्कुल जाएंगे, सब जाएंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि हम किसी से डरते हैं या हम उनका समर्थन करते हैं, हमारे लिए कोई समर्थन नहीं है। हमारे लिए अत्याचार करने वाले की कोई धर्म और कोई जाति नहीं है। यहाँ हिंदू पक्ष की जो मजबूत जातियां हैं जिन्हें बोलते हैं वो करते हैं या मुस्लिम लोग करते हैं। अगर ये सोचते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति देख के अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। लड़ाई जितनी हमारे समाज की मुस्लिमों के खिलाफ होगी, उतनी हिंदुओं के खिलाफ भी होगी। और जो हमारे समाज पर अत्याचार करता है, ये समाज जो सत्याचार को सहन नहीं करेगा। लोग कह रहे हैं यूपी में जंगल राज है, आप भी मानते हैं? बिल्कुल जंगल राज है। आप ये देखिए कि आप वहां बिना कानून के, बिना न्याय के, बिना शासन के, आप ये देखिए कि जंगल राज होने के बावजूद, जंगल राज नहीं होता तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार होता। आज हाथरस के अंदर आपने ये चीज देखी और अब लखीमपुर खीरी के अंदर आप देखते हैं हमारे लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और रोज नई अत्याचार की घटनाएं उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। तो जंगल राज नहीं है तो क्या है? योगी जी का तो कहा जाता सख्त है प्रशासन, बुलडोजर चला देते हैं। हाँ, तो बुलडोजर सिर्फ देखिए, बुलडोजर चलाना संविधान सम्मत शासन लागू करना नहीं है। अगर आप बुलडोजर चला रहे हो तो बुलडोजर तो सभी के ऊपर चला रहे हो। हमें बुलडोजर से न्याय थोड़ी चाहिए, हमें तो जातिविहीन व्यवस्था चाहिए। हमें चाहिए कि हमारा जो सम्मान है वो बना रहे, हमारी महिलाओं की रक्षा हो। आप ये बताइए कि जितने भी एससी एसटी के एफआईआर उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज हुई हैं, उनमें कितने लोगों को सजा हुई है? हमें बुलडोजर से क्या लेना? अगर आप सोचते हो कि बुलडोजर हमें न्याय दिला रहा है, तो हमें ऐसे न्याय की जरूरत नहीं है। हमें न्याय की जरूरत यह है कि हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, हमारे आरक्षण के प्रावधान लागू किए जाए, हमारी सुरक्षा की जाए, हमारी जिम्मेदारी ली जाए, तब जाके हम मानेंगे कि कानून का शासन है। परंतु ये सरकार विफल रही है सुरक्षा प्रदान करने में शेड्यूल कास्ट को, उनकी महिलाओं को। तो फिर कैसे होगी सुरक्षा? जब तक हम सत्ता नहीं बदलेंगे, जब तक हम सरकार नहीं बदलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चार बार बहन कुमारी मुख्यमंत्री बनी, बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, आप एक भी ऐसी विभत्स घटना बता दीजिए। जो अपराधी है वो किसी जाति और धर्म का नहीं होता। रूहें कांपती थी उनकी बहन जी के शासन काल में जो कोई अत्याचार करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं 5 बजे के बाद घर से बाहर जब निकली, तो वो बहन जी के शासन काल में निकली।
चाबी, तो सिर्फ एक ही मात्र हमारे पास इलाज है, वो है सत्ता की चाबी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हमें वर्तमान सरकार बदल के बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। ये तो योगी भी कह रहे हैं कि अपराधियों को ऐसी सजा दी जाए जो सात पीढ़ियां भी याद रखे। अरे योगी जी, आप उनकी जाति और धर्म देख के सजा दे रहे हो, इन्हें तो आप सात पीढ़ियां याद रखी जाएंगी, परंतु हाथरस की सात पीढ़ियां कहां गई? क्या हाथरस के अंदर सात पीढ़ियां नजर नहीं आई? क्या उसके अलावा जो अत्याचार हमारे पास हो रहे हैं, आप लखीमपुरी खीरी में तो आप बोल देते हो सात पीढ़ियां याद रखी जाएंगी, परंतु आपकी अपनी जाति का कोई आ जाएगा तो आप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे? अरे हम आपको जब माने कि आप अच्छे मुख्यमंत्री हो, जब आप अपनी जाति के खिलाफ भी उतनी ही सख्त और कानूनी कार्रवाई करो जितने इन अपराधियों के खिलाफ कर रहे हो। और हमारा अगर आप सोचते हो कि हम इन अपराधियों के खिलाफ नहीं है, हम बिल्कुल इनके खिलाफ हैं। और अगर ये सोचते हैं, ये अगर ये सोचते हैं कि हमारे समाज में चूड़ियां पहनी हुई हैं, तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सर जैसे आपने कहा कि न्याय नहीं मिल पाता इन मामलों में, अभी हाथरस मामले में पूरी कार्रवाई नहीं हुई है, ना उनको घर मिला ना वो कंपनसेशन मिला है, ये दो चार दिन हल्ला होता है फिर लोग भूल जाते हैं। देखिए हमारे समाज के साथ बहुत सारी परेशानियां ये हैं कि समाज रोज मजदूरी करके खाने वाला लोग है, अगर ये कंटिन्यूसली जो अपना काम धंधा छोड़ेंगे तो भूखे मरने की नौबत आ जाती है। इस वजह से हमारे जो आंदोलन है वो लंबे नहीं चल पाते, परंतु ये आंदोलन चलाने की बजाय हमें सशक्त सरकार और एक हमें एक ऐसा सरकार बनाने की जरूरत है जो अत्याचार करने वाले की रूप में, आपको सरकार प्रशासन का भेदभाव नजर नहीं आता, दूसरों को तुरंत कंपेंसेशन मिल जाता, नौकरियां मिल जाती। नहीं, मैं वही तो बात बता रहा हूं कि जब आप कह रहे हो कि ये योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, तो मैंने आपसे कहा ना कि जब हमें जो एससी एसटी की जितनी भी परियोजनाएं हैं, अगर आप उन्हें लागू करो, आरक्षण का लागू करो, या एससी एसटी एक्ट के प्रावधान लागू करो, या आरोपियों को बिना जाति धर्म के अगर आप जो है सजा दो, तो आप ये मानिए कि अच्छा जो रूल ऑफ लॉ चल सकता है, परंतु ये सरकार रूल ऑफ लॉ चलाने में विफल रही है, क्योंकि यहाँ जो भी निर्णय होते हैं वो जातियों के आधार पर होते हैं। लखीमपुर खीरी में अगर आप ये कह रहे हो कि सात पुस्ते याद रखेंगी, तो सात पुस्ते याद रखने के लिए जो है हाथरस को आप क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आप उसके अंदर गैर मुस्लिम शामिल थे, परंतु हम ये अब लॉलीपॉप से जो लेने वाले नहीं है, हमारे लिए जो 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 अत्याचार करता है हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। हाथरस लखीमपुर खीरी होते रहेंगे जब तक हम अपनी सत्ता और सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक होते रहेंगे। हम लोग जो है आइडियोलॉजिकल रूप से अपने आप को, सैद्धांतिक रूप से अपने आप को मजबूत मानते हैं, परंतु अगर हम राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, तो हम आइडियोलॉजिकल रूप से, सोशल रूप से, फाइनेंशियल रूप से, सब रूप से कमजोर रहेंगे और हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। ऐसे ही रोज अत्याचार होंगे और ऐसे हम पिटते लुटते रहेंगे। देखिए पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो बच्चियों का बलात्कार हुआ है, न केवल बलात्कार हुआ बल्कि हत्या हुई है। मगर यही हत्या अगर किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ हो जाती है, यह हो जाता, तो पूरा का पूरा पक्ष, विपक्ष, सत्ता और जितने विपक्ष के लोग सभी सड़कों पर आ जाते हैं। आप ये देखिए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की जो भी जो अत्याचार होते हैं उसके अंदर ये इनकी जो पॉलिसीज है सेम होती है, और ये कभी भी इस बात की ना तो भर्त्सना करते हैं, ना ही सड़कों पर आते हैं, और ये उस बात और बढ़ावा देते हैं। आप ये देखिए कि कठुआ में गैंगरेप हुआ, कठुआ में जब गैंगरेप हुआ तो वहां पर विपक्ष ने ना केवल अपराधियों की मदद की बल्कि उस लड़की को ही गलत बताया। हाथरस के अंदर जब शेड्यूल कास्ट की एक महिला का, एक बच्ची का जब बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद शासन प्रशासन में जबरदस्ती उसे जला दिया गया, और उसके बाद अब आप जो लखीमपुर खीरी का देखते हैं, न केवल उनके साथ उनका बलात्कार हुआ बल्कि उनकी हत्या बर्बर पूर्ण तरीके से करके उन्हें टांग दिया गया। तो आप क्या सोचते हैं कि ये किसी सभ्य समाज की पहचान है? नहीं, परंतु आज भी लोग सोचते हैं कि इनका इनके ऊपर अत्याचार करके हम शांत बैठ जाएंगे, और सत्ता और विपक्ष का क्या? देखिए आज ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने अत्याचार किए, तो मुस्लिमों पे को आप मुस्लिमों के खिलाफ जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं वो खड़े हो, परंतु उस वक्त क्या होता है जब गैर मुस्लिम एससी समाज की महिला का, जब बच्चे का जब रेप करता है, तो क्या ये हमारे साथ खड़े होते हैं? परंतु इन्हें तो पता है कि नहीं नहीं हम जो है मुस्लिम का समर्थन कर रहे हैं। अरे ना हम मुस्लिम का समर्थन कर रहे हैं, ना ही हम गैर मुस्लिम का समर्थन कर रहे हैं, और जो भी अपराधी है, इस समाज का अपराधी है, उसे हम सजा दिलाने का पूरी कोशिश करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे।